अनावरण पट्टिका के मामले ने पकड़ा तूल। पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री की अनावरण पट्टिका को तोड़ने पर सर्व समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। बुधवार को बांदीकुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सार्वजनिक पार्क अनावरण 2003 में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री शैलेंद्र जोशी एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री तेब हुसैन के द्वारा उद्घाटन किया गया था, जिसकी बांदीकुई राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पार्क में लगी अनावर पट्टिका को आगामी कार्य के लिए प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसका विरोध सर्व समाज के द्वारा बुधवार को पार्षद महेंद्र देमन एवं अन्य के नेतृत्व में किया गया। प्रशासन के इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए पार्षद महेंद्र देमन ने बताया कि कार्य किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की उपेक्षा किया जाना घोर निंदा का कार्य है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पंडित अरुण त्रिवेदी ने बताया कि इस अनावरण पट्टिका को यदि 7 दिवस में प्रशासन द्वारा दोबारा से स्थापित नहीं किया गया तो सर्व समाज आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान पार्षद महेंद्र देमन, पंडित अरुण त्रिवेदी, अध्यक्ष परशुराम सेवा समिति बांदीकुई मुकेश जयमान, पार्षद दिलीप सैनी, अवधेश उपाध्याय, जिला महामंत्री सर्व ब्राह्मण महासभा लोकेश शर्मा, पंकज इंदौरिया, श्री राधारमण तिवारी, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा बांदीकुई शांतु भारद्वाज, भवानी शंकर तिवारी मौजूद रहे। 2002 में हॉस्पिटल परिसर में CHC बांदीकुई में पार्क बनाया गया था, जिसमें पार्क में फवारे वगैरह सब चीज़ लगाई गई थी। जो मरीज हैं, गंभीर मरीज हैं, उनके परिजनों को बैठने के लिए एक सुविधा के हिसाब से यहाँ पार्क डेवलप किया गया, जिसका 2003 में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा इसका अनावरण किया गया था, जिसमें चिकित्सा मंत्री तैयब हुसैन जो उस समय थे वो भी आए थे। चेयरमैन हमारी कमला वर्मा थी, उस समय भी मैं पार्षद था माननीय नगर पालिका का। आज जिस तरह का हमने आज देखा कि उनकी अनावरण पट्टिका को तोड़ के जिस तरह से इधर उधर डाल दिया, इन्होंने फेंक दिया, और आपने स्थिति देखो इनकी, अगर इस तरह का ये कार्य है प्रशासन द्वारा किया जा रहा है तो बहुत गलत है, निंदनीय है, और हम सब मिलकर इसकी निंदा करते हैं। इस तरह का कृत्य किसी भी क्षेत्र में, किसी के भी कार्य क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी विकास के कार्य जिनके भी कार्यकाल में हुए हैं, विकास जिन्होंने भी किया, उसके बाद सत्ता चाहे परिवर्तन हो जाए तो जिसने भी जो कार्य किया है उसके अनावरण पट्टिका कभी नहीं तोड़ी जानी चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन की निंदा करते हैं कि उनको इस तरह का घिनौना कार्य नहीं करना चाहिए। और अगर इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई बाहुबली अगर विधायक होता तो शायद उसकी पट्टिका को तोड़ने की आज भी कोई हिम्मत नहीं करता, और ये बहुत अशोभनीय कृत्य है। अस्पताल प्रशासन को यह पट्टिका दोबारा लगानी पड़ेगी, नहीं तो हम नहीं चैन से नहीं बैठे। जय श्री राम। मैं पंडित अरुण त्रिवेदी, अध्यक्ष परशुराम सेवा समिति बांदीकुई। मैं आज प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि जो 2002-03 में शैलेंद्र जोशी जब विधायक थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनके कार्यकाल में यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया था पार्क वगैरह का, और वहाँ पर अनावरण पट्टिका उनकी लगाई गई थी। 2003 से यह विद्यमान थी। आज पता नहीं किस कारण से उनकी अनावरण पट्टिका को तोड़ दिया गया है, जो बहुत ही गलत है, अमर्यादित है। किसी की अनावरण पट्टिका को तोड़ना बहुत गलत है, संविधान के विरुद्ध है। मैं प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि जो उस समय चिकित्सा मंत्री तैयब हुसैन साहब थे, कमला वर्मा जी थी नगरपालिका के अध्यक्ष थी, और शैलेंद्र जोशी के द्वारा जो अनावरण पट्टिका लगाई गई थी, उन्हें प्रशासन यथाशीघ्र एक उचित स्थान देख करके वापस लगाए, नहीं बनवा करके, अन्यथा ब्राह्मण समाज सर्व समाज को साथ लेकर के एक आंदोलन करेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। आपका नाम? मैं पंडित अरुण त्रिवेदी, अध्यक्ष परशुराम सेवा समिति बांदीकुई। प्रशासन की लापरवाही के चलते हुए इस शिला पट्टी को तोड़ा गया है। अगर इस शिला पट्टी को वापस लगाया नहीं गया तो उसका घोर विरोध किया जाएगा, और इसके लिए जद पड़ी तो जो भी आयोजित कार्यक्रम होगा समाज हित में या जैसे भी हमको विचार करना होगा संगठन के दौरान, हम उस मुहिम में को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये इस लड़ाई में एक ब्राह्मण समाज ही नहीं है, इसमें तैयब हुसैन साहब भी है, कमला वर्मा जी भी है, हमारे भी पार्षद उदयमन साहब भी उस समय वर्तमान पार्षद थे और आज भी ये पार्षद हैं। ऐसा घोर अन्याय जो कार्य हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि विकास कार्य जो भी व्यक्ति कराता है एक समाज को और एक जगह को अच्छा बनाने के लिए करता है, उसकी और उसी से ही हर व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। आज भी कई पूर्व विधायक भी इस कार्य कर चुके हैं।